और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, सीधा रुक करेंगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। बता दें फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएनजी ऑटो में बड़ा हादसा हुआ है। देखिए फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें सीएनजी किट फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको जानकारी दे दें हादसे में ऑटो चालक बुरी तरह से झुलसा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें बादशाह खान अस्पताल से दिल्ली रेफर किया गया है ऑटो चालक को। सीएनजी किट फटने से यहां पर बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में आपको जानकारी दे दें जो ऑटो चालक है वो पूरी तरह से झुलस गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें सीएनजी किट फटने से ये बड़ा हादसा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें हादसे में ऑटो चालक बुरी तरह से झुलसा है, फिलहाल अस्पताल में ऑटो चालक को भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। तो देखिए तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएनजी किट फटने से यहां पर बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ऑटो चालक जो है बुरी तरह से झुलसा है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। वही जानकारी दे दें बादशाह खान अस्पताल से दिल्ली के लिए रेफर किया गया है ऑटो चालक को। सीएनजी किट फटने से यह बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद में सीएनजी ऑटो में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें सीएनजी किट फटने से यहां पर बड़ा हादसा हुआ है और बुरी तरह से देखिए ऑटो चालक जो है वो जल भी गया है, अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। देखिए तस्वीरें भी अस्पताल की हम आपको दिखा रहे हैं। बादशाह खान अस्पताल से दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। तो सीएनजी किट फटने से ये बड़ा हादसा हो गया है और इस पूरे हादसे में आपको जानकारी दे दें ऑटो चालक जो है बुरी तरह से झुलसा है। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है सीएनजी किट फटने से बड़ा हादसा हुआ है। आपको जानकारी दे दें ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है